हाय फ्रेंड्स, आज हम क्ले वर्कशॉप करने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, इनके साथ हम क्ले वर्कशॉप करेंगे और आज हम कुछ क्ले से कुछ चीज़ें बनाएंगे जो बहुत इजी है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें और आप खुद भी ट्राई करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अभी आप देखते रहिए, अभी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एक बार परिचय कर लेंगे, ठीक है। हाय, आई एम माहिरी। Hi, my name is Rihit. Hi, I am Osmit Ghosh. Hi, I am Kaushani. Okay. हाँ है, मैं आपका दोस्त रूपन। तो आज हम क्ले वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्ले वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बच्चों को कुछ टूल्स देना चाहूँगा। अक्सर मार्केट में कुछ स्पेशल टूल्स मिलते हैं क्ले वर्कशॉप करने के लिए, हम वैसा कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ करते हैं आप सबको शायद पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम फ्रैक्चर देने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं, वुड पेंसिल हम सबके पास होता है। हम टूथपिक यूज़ करते हैं कुछ डिज़ाइन करने के लिए। और आपको बोला गया है कि कभी भी आप क्ले वर्कशॉप करने के लिए कटर, नाइफ या ब्लेड यूज़ ना करें। हम विजिटिंग कार्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हार्ड एक विजिटिंग कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको हाथ में लगने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कटर, नाइफ ये सारी चीज़ हम यूज़ ना करें। तो मैं सारे बच्चों को दो टूथपिक और एक कार्ड और एक पेंसिल दे देता हूँ क्ले वर्कशॉप करने से पहले। और इसके साथ साथ आप जिस फ्लोर पे कर रहे हैं वहाँ पे क्ले लग के ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए आप एक पेपर भी रख सकते हैं, एक पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं सारे बच्चों को एक पेपर, एक कार्ड, एक टूथपिक और पेंसिल दे। और मैं खुद के लिए भी एक पेपर, एक कार्ड और एक टूथपिक ले रहता हूँ। इसके बाद हम क्ले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे और फिर उसके बाद उनके हाथ में क्ले लिया जाएगा उनको करने के लिए। तो बच्चों, हम ग्रेव्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है, फिर आपको क्ले दिया जाएगा और आप खुद बनाएंगे। बहुत ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। हमें ग्रेव्स करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक पर्पल कलर का क्ले, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा लीफ बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर का क्ले। तो हमें पर्पल कलर के क्ले को क्या करना है, इसमें दो प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे पर्पल कलर का क्ले लेते हैं और जो ग्रीन पीस होते हैं, मटर होते हैं, उसका जो दाना होता है उसी साइज़ का हम ले सकते हैं। और अगर आपको एक सेम साइज़ में लेने में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा पर्पल कलर का क्ले लीजिए, फिर उसको एक लड्डू बना लीजिए। जैसे हम बोलते हैं हमेशा, एक बॉल बना लीजिए, एक लड्डू बना लीजिए, फिर उसको आप एक स्नेक जैसा बना लीजिए। ये देखिए, मैं एक स्नेक जैसा बना लिया अपने हाथों से। अभी इससे क्या करना है, यहाँ से सेम साइज़ का थोड़ा थोड़ा करके आप तोड़ के ले सकते हैं। आप क्ले, बिखरे हुए क्ले से भी छोटा छोटा करके ले सकते हैं और ऐसे रोल करके भी छोटा छोटा करके ले सकते हैं। तो आपको ऐसे 9 ग्रेप्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे छोटे छोटे सेम साइज़ बॉल बना लेते हैं। ये देखिए, मैं छोटे छोटे सेम साइज़ बॉल बना। तो हम हमेशा ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा एक रुमाल रखिए अपने हाथों में, क्योंकि क्या है कि जब हम कोई डार्क कलर यूज़ करते हैं फिर उसके बाद हम लाइट कलर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारा डार्क कलर लाइट कलर में लग जाए। तो मैं अभी ये छोटा छोटा जो बॉल बनाया, फिर मैं अपना हाथ साफ कर लिया। अभी ये जो हमारे पास छोटे छोटे बॉल है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप देंगे। ये देखिए, ये मैं कर रहा हूँ ये इस तरह। ये देखिए, ओके। तो ये हमारा जो ग्रेव्स है ये करीब तैयार हो गया। हमें अभी क्या करना है, अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर के क्ले, ग्रीन कलर के क्ले हम थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा लेंगे और उसको इस तरह से एकदम पतला करके इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ये इसे हम साइड में रखते हैं। ठीक वैसा ही एक और थोड़ा सा क्ले लेंगे जैसे ग्रीन कलर के, इसे हम इस तरह कर लेंगे और फिर हम लीफ बनाएंगे ग्रीन कलर का ही। तो हम सबसे पहले जब भी हम कुछ बनाते हैं, बड़ा कुछ क्ले से बनाया जाता है, तब हम ग्रीन कलर क्ले हो या कोई भी कलर क्ले हो, उसे हम एक छोटा सा बॉल बना लेते हैं। फिर एक साइड ऐसे पतला किया जाता है ताकि ये रेन ड्रॉप जैसा दिखे। फिर ऑपोजिट साइड भी हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और उसे ऐसे प्रेस करते हैं। ये जब प्रेस किया जाएगा तब ये एक लीफ जैसा बन जाता है। ये देखिए,
मगर ग्रेप्स के लीफ अगर आपने देखे होंगे तो उसे ये कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इस कार्ड को यूज़ करके जस्ट हम थोड़ा सा इस तरह इसे डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए, ये लीफ के बीच में जो ट्रेक्चर आते हैं वो किस तरह से किया जाता है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये हमारा लीफ तैयार हो गया है, इसे हम रख देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं कि ये ग्रेप्स कैसे सजाया जाएगा। तो ग्रेप्स को सजाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लेना है, फिर उसे एक जगह पे ऐसे रखना है, फिर उसे एक जगह पे इसे रख के ठीक उसके ऊपर से एक यहाँ पे एक यहाँ, ये देखिए ये ऐसे रह गया। फिर ये जो है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, फिर वापस हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ओके, हम और एक बना लेते हैं, ये 10 चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो हमारा ऐसे बन गया, फिर ये जो हमने ग्रीन कलर के बनाए थे इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा दिया और फिर ये ऐसे लगा के इस लीफ को इस तरह से, तो ये देखिए ये हमारा हो गया ग्रेप्स। तो आप सबने देख लिया, ये बहुत इजी है, हम सब एक साथ बनाएंगे। हमने सबसे पहले एक बार देख लिया किस तरह से बनाए जाते हैं, ये आपने देख लिया किस तरह से बनाया गया है, तो वैसे ही हम अभी खुद ट्राई करेंगे। सबको ऐसे पर्पल और ग्रीन कलर क्ले दिया जाएगा, तो हम सब अभी ट्राई करेंगे किस तरह से ग्रेप्स बनाया गया देखा। तो अभी हमारे फ्रेंड्स ये ग्रेप्स बनाएंगे, तो उनको मैं क्ले डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास पर्पल एंड ग्रीन कलर के क्ले है, तो मैं हमारे सारे फ्रेंड्स को एक पर्पल और एक ग्रीन कलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अभी हम सब एक साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए करते हुए, कोई भी मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। যখন তুমি এটাকে কাট করছো তখন এ পাশটাও এদিক দিয়েই করবে, এ পাশটাও এদিক দিয়েই করবে, ঠিক আছে? এটা আবার ওখান থেকে করো, কোনো অসুবিধা নেই, এখান থেকে আবার এই পাশ করে এই পাশ করো, ধরো এটা যেহেতু এ পাশ থেকে দেওয়া হয়েছে এটাও এ পাশ থেকেই দেওয়া হয়েছে। ओके, तो ये हमारा ग्रेप्स जो मैंने मेरे फ्रेंड्स को दिखाए थे कि ऐसा करना है, उनको जस्ट एक ही बार दिखाया गया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ग्रेप्स है ये आपको उतना पसंद भी नहीं आएगा उनके देखने के बाद। उनका बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। आप एक बार दिखा दीजिए आपका किस कैसा हुआ, बहुत ही बढ़िया। और ये आप देखिए, इसका फॉर्मेशन भी थोड़ा यूनिक है और अच्छा, एकदम रियल लग रहा है। अभी ये देख लीजिए एक बार, ये बहुत ही अच्छा हुआ है।
देखिए यहाँ पे हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही बार दिखाऊंगा तो ये बच्चे कर पाएंगे कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बच्चे बहुत स्मार्ट है और बहुत ही एक्सपर्ट है इस काम में। मेरे ख्याल से आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ ये जो बनाया गया। अभी हम कुछ नेक्स्ट कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी वे में कैसे एक स्ट्रॉबेरी बनाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन से ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे आर्टिकल्स।